क्या आप भी गूगल पे सर्च कर रहे हो हाई ग्राफिक्स गेम फॉर 2GB रैम पीसी और 4GB रैम पीसी, और आप गूगल पे सर्च कर करके थक गए हो? वेल गाइस, आप सही वीडियो पे आए हो। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 15 गेम लेके आया हूँ जो कि आपके 2GB रैम या 4GB रैम वाले पीसी लैपटॉप पे मक्खन जैसे चलेंगे, एंड इन सभी गेम का ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल का है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, किस लिए रुके हो? नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, जो हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्पेक ऑफ द लाइन। एंड वेल गाइस, स्पेक ऑफ द लाइन की बात करें तो 2012 का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है जिसमें आपको 30% शूटिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया 2K गेम्स के द्वारा। इस टाइप के गेम काफी कम बने हैं एंड दोबारा आई थिंक ये बने ही नहीं है। गेम स्टार्ट होता है रेतीले तूफान में। ये रेतीला तूफान आता है दुबई में। ऑलमोस्ट दुबई की सारी कम्युनिकेशन टूट चुकी है आउटर कंट्री से, एंड वहां के लोग अब जैसे तैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है और जो रिच है वो तो पहले ही यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। यहाँ पर जो बच जाते हैं वो उनके लोकल रेसिडेंट्स रहते हैं जो कि जैसे तैसे अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। यूएस आर्मी कुछ मिशन दिए जाते हैं कि आप जाके दुबई में देखो भैया कि कौन अलाइव है, वे उन्हें आप वहाँ से रेस्क्यू करें एंड हमें इन्फॉर्म करें। यहाँ पर टोटल आपको दोस्तों ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। गेम का ग्राफिक्स काफी ओपी है, प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें फुल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इस गेम के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटलफील्ड 4। एंड दोस्तों बैटलफील्ड 4 की बात करें तो 2013 का काफी पॉपुलर फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम रह चुका है। डेवलप किया गया डाइस के द्वारा एंड इस गेम को पब्लिश किया गया था इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। बैटलफील्ड 3 के इवेंट्स के 6 साल के बाद साल 2020 में हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है सार्जेंट डेनियल रैकर अपने स्क्वाड के साथ, उसके साथ ही वो डन आयरिस बाकू अजरबैजान में ऑपरेट करते हैं। इनके जो स्क्वाड का नाम रहता है रूम स्टोन स्क्वाड नाम रहता है। एंड दोस्तों ये जो स्क्वाड रहता है ये यूएस मरीन का एक हिस्सा रहता है। तो क्या है कि इनके अटैक हो जाता है, आपको इस गेम में आपको मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। यहाँ पर आपको आपके एनिमी को बेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है। एंड वाइल कम्प्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ अलग अलग कंट्री के सिटी पे ट्रेवल करोगे। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। एंड गेम में जब आप गेम प्ले करोगे दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन वर्ल्ड व्यू का एक्सपीरियंस होने वाला है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो उन्हें 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें और 2DU में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 25GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम के बारे में और भी जानना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। राइट, तो वेल गाइस, जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है असैसिन क्रीड 3। एंड वेल गाइस, असैसिन क्रीड 3 की बात करें 2012 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम में आप एक असैसिन का किरदार निभाते हो। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी आपको इस गेम में देखने को मिल जाता है। की बात करें तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों, काफी मजा आने वाला है इस गेम को जरूर से एक बार प्ले करना। एंड इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो भैया खुद फन के में टेलीग्राम चैनल पे जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम। तो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है गैस स्टेशन सिमुलेटर। गैस स्टेशन सिमुलेटर की बात करें तो 2015 का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है जिसे डेवलप किया गया है ड्रैगो एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है मूवी गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी सही तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आप एक गैस स्टेशन चलाते हो एक रेगिस्तान के बीचों बीच। गैस स्टेशन को चलाने के लिए तो आपको काफी इंटरेस्टिंग टास्क दिए जाते हैं। एंड सच बताऊं तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 1GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 10GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए।
तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है DC League Super Pet Adventure of Crypto and Ace। एकदम न्यूली लॉन्च गेम है दोस्तों। इस गेम को रिलीज किया गया था 15th of July 2022 को। इस गेम को डेवलप किया गया PHL के द्वारा एंड बेसिकली इस गेम को पब्लिश किया गया था Outright Games LTD के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, यहाँ पर जो अपना सुपरमैन एंड बैटमैन रहता है, उनके जो दो डॉग्स रहते हैं पूरे सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हमारा जो सुपरमैन का डॉग रहता है, उसके पास अलग अलग एबिलिटीज़ के पावर रहते हैं। एंड जो हमारा बैटमैन का पेट रहता है, उसके पास भी अलग अलग एबिलिटीज़ के पावर रहते हैं। तो आप दोनों का कैरेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यार काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर एलियंस पूरे सिटी को कैप्चर कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एलियंस को यहाँ पर पूरा सफाया करना पड़ता है सिटी से, एंड सिटी को यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों। के मामले में काफ़ी हाई ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 1GB नीड है। एंड उस प्रोसेसर की बात करें तो i3 भी गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसके साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है सैंथ्रो 3। एंड सैंथ्रो 3 की बात करें तो 2011 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो सैंथ्रो 2 का एक सीक्वेंस गेम है दोस्तों, टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों। यहां पर वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। गेम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाती हैं। वाइल कंप्लीटिंग मिशन आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक भटक सकते हो, कार चला सकते हो, फाइट ऑफ फिटी कर सकते हो, मतलब वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो मात्र 10GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है चलो फाइटी हो जाए, तो भैया कूद फान के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाए एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवंथ गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा सेवंथ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है आउटलास्ट 2। एंड दोस्तों आउटलास्ट 2 की बात करें तो 2017 का हॉरर सर्वाइवर वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है रिडल्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो स्टोरी को आप बेटर समझ सकते हैं लेटर्स के थ्रू, जो कि मेजोरिटी ऑफ लोग गेम खेलते टाइम नहीं पढ़ते, क्योंकि इस गेम में आपको लेटर्स के थ्रू ही क्लू मिलने वाला है। स्टोरी शुरू होती है एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जो कि अपनी वाइफ लीन USA एरिजोना के सुपाय के में जाता है, प्रेग्नेंट लेडी जेम डो के मर्डर केस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। अचानक इनका हेलीकॉप्टर रहता है, वो लाइट वेव रेडियो सिग्नल से क्रैश हो जाता है। यहाँ पर मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। एक उठता है तो देखता है कि यहाँ पर उसकी वाइफ मिसिंग है। अपनी वाइफ को खोजने के लिए टेम्पर गेट पे जाता है, जहाँ पर वो काफी हॉरर चीजें देखता है। तो यहाँ से जो मेन स्टोरी स्टार्ट होता है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप थोड़े दिल के कमज़ोर है तो प्लीज़ आउटलास्ट 2 मत खेलना, काफ़ी डरावना गेम है दोस्तों। गेम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलेंगे। एंड गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें i3 में आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 30GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे एट्थ गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा एट्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मैक्स पेन 3। एंड दोस्तों मैक्स पेन 3 की बात करें तो 2012 का एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है, जिसे डेवलपर पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड ये भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरी की बात करें, 9 साल के बाद एजेंट का काम छोड़ के मैक्स इधर भटक फिटक रहा है, बार रूम में पी पा रहा है। राहुल पासो नाम का एक बंदा मिलता है, मैक्स को बताता है कि हम पुलिस अकेडमी में साथ काम करते थे। मैक्स को वो एक जॉब ऑफर करता है ब्राजील के काफी बड़े बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड के लिए। इस भैया को तो पीने से फुर्सत नहीं है, मैक्स भैया ये ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। भैया पीने में जब मगन रहते हैं, तभी वहाँ का एक लोकल माफिया का एक बेटा आ जाता है एंथनी। सडनली वो मैक्स के गन को ट्रिगर करके खड़ा हो जाता है। उसके और मैक्स के बीच में कुछ बहसबाजी हो जाती है, में क्या होता है कि मैक्स भैया अपने प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एंथनी भैया को उड़ा देते हैं। यहाँ पर एंथनी डिमार्को को मैक्स को मारने के लिए काफी हैवी ऑफर किया जाता है कि भैया आप मैक्स को जहां भी देखो वहीं पर शूट आउट करो। जो भी मैक्स भैया को मारने आते हैं, वो तो भैया पहले ही टपक जाते हैं। भैया क्या करते हैं, जितने भी अपने पुराने बैकग्राउंड को हिस्ट्री को क्लियर करते हैं और एक नया लाइफ को स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर वही पुराना जो मैक्स का जो फ्रेंड रहता है राहुल, पर मैक्स को करता है कि भैया तुम ज्वाइन कर लो। तो यहां पर मैक्स भैया हमारे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो एक रिच फैमिली का बॉडीगार्ड बनने का ऑफर था, वो यहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मेन स्टोरी स्टार्ट होता है दोस्तों। एंड इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को
मिल जाते हैं। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो स्वीट 30 GB अपनी पीसी या लैपटॉप पे आप स्पेस खाली करके रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है प्रोटोटाइप 2। टाइप 2 की बात करें तो 2012 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है रेडिकल एंटरटेनमेंट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो एक सीक्वेंस गेम है प्रोटोटाइप 1 का। अभी तक आपने प्रोटोटाइप 1 नहीं खेला तो जरूर से खेलना। यह गेम स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी पे जहां पर ब्लैक लाइट नाम का एक वायरस पूरे सिटी को इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है जेम्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट सिटी के आधे से ज्यादा क्रिएचर में बदल चुके हैं। आपको करना है क्या है, इस वायरस का एंटीडोट खोजना है एंड न्यूयॉर्क सिटी को वायरस फ्री करना है। मिशन कंप्लीटिंग, यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिल जाएंगे, फिर डरावने मिशन देखने को मिलेंगे। भाई जो हमारा प्रोटैगनिस्ट रहता है जेम्स, उसमें अलग अलग एबिलिटीज के पावर रहते हैं। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकते हो, उड़ सकते हो, किसी को भी सोल को अब्सॉर्ब कर सकते हो, तो काफी अलग अलग यहाँ पर उसे पावर मिलता है। टोटली यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इस क्वालिटी की बात करो तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। एंड गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करो तो रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 12 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीछे लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। तो हमारा 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है प्रिंस ऑफ पर्सिया द फॉरगॉटन सैंड। करें तो 2010 का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी ऐसा ही तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो पर्सिया ऑफ टाइम के कुछ महीनों के बाद इसको मलिक के भाई के पास भेजा जाता है कि वो अपने भाई से एक महान राजा बनने की स्टडी ले सके। प्रिंस वहां पर पहुंचता है और देखता है यहां पर एक काफी खतरनाक युद्ध छेड़ा हुआ है। युद्ध चल रहा था एक सोलोमन की आर्मी को हथियाने के लिए चल रहा था। प्रिंस देखता है कि यहां पर उसकी जो भाई की आर्मी रहती है यहां पर काफी कमजोर पड़ जाती है। यहाँ पर उसका भाई मलिक बताता है कि हम इस युद्ध पे काफी कमजोर पड़ चुके हैं। आखिरी दाव खेलता है जो कि सोलोमन की आर्मी रहती है, वो सोलोमन की आर्मी को आजाद करता है। पर उसके पास जो एक की रहता है जिसका नाम मेडालियन रहता है, वो एक सील पे लगाता है तो जो मेडालियन रहता है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। सर मलिक जैसे तैसे यहाँ से एस्केप करते हैं, सोलोमन की आर्मी से फाइट करते हैं। दोस्तों मेन स्टोरी यहाँ से जो स्टार्ट होता है। एंड इस गेम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलने वाले हैं। एंड जब आप यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करोगे तो काफ़ी, यार सच बताऊँ तो यार, हॉरर सीन भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। कंप्लीटिंग मिशन आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी दोस्तों, आपको ज़रूर से एक बार इस गेम को खेलना चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाए एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा 11th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डेडपूल। एंड वेल गाइस, डेडपूल की बात करें 2013 का एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जहां पर आपको मार्वल्स कॉमिक का पूरा एक्सपीरियंस यहां पर होने वाला है। गेम की बात करें तो गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को डेवलप किया गया है हाई मून स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है एक्टिविजन के द्वारा। आप मेन कैरेक्टर जो हमारा डेडपूल है उसका किरदार निभाते हो एंड यहाँ पर आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। उनके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इस गेम को भली भांति जानते होंगे। बट अभी तक आपने इस गेम को खेला नहीं तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज इस गेम को एक बार जरूर खेलना। काफी फनीएस्ट गेम है एंड दोस्तों काफी एक्शन से भरा हुआ है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 16 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पर इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 12th गेम के ऊपर। जो हमारा 12th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है रिफ्ट वर्ल्ड। एंड दोस्तों रिफ्ट वर्ल्ड की बात करें तो न्यूली लॉन्च गेम है दोस्तों। 12 फरवरी 2022 को इस गेम को रिलीज किया गया था। गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है इंटरैक्टिव के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो रिफ्ट वर्ल्ड एक हार्डकोर FPS गेम है जहां पर आपको पूरा एक्शन से भरा हुआ यहां पर आपको मिशंस देखने को मिलने वाला है। एंड यहां पर जो आपका मेन कैरेक्टर रहता है उसके पास काफी अलग अलग मैजिकल पावर्स रहते हैं एंड इसे बैटल करना रहता है। एंड यहां पर आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना पड़ता है।
स्टार्टिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर आपको हर तरह से यहाँ पर आपके ऊपर एनिमी हमला करेगा एंड यहाँ पर आपको अपना जो मिशन है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। गेम की बात करो तो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों एंड ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 3 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 3 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 13 गेम के ऊपर। जो हमारा 13 गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है पर टॉय कार ऑफ रोड की बात करें तो एक रेसिंग वीडियो गेम है, रिलीज किया गया था 18 फरवरी 2022 को। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया इक्लिप्स गेम्स के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। ये कार रेसिंग वीडियो गेम है दोस्तों एंड इस गेम में आपको काफी सारे अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं, आपको काफी अलग अलग मैप देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप काफी फनीएस्ट मूवमेंट में आप यहाँ पर रेसिंग करोगे एंड जब आप रेसिंग करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे अलग अलग पावर्स देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने एनिमी के कार को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो काफी मजा आने वाला है इसमें एंड यहाँ पर आपको काफी सारे कार्स देखने को मिल जाते हैं। मैप की बात करें तो काफ़ी सारे मैप्स देखने को मिल जाएंगे एंड ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाएंगे। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 4 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC लैपटॉप पर इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो इसका मैं स्टीम का लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से आप जाके इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 14th गेम के ऊपर। 14th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन। जी हाँ दोस्तों ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन की बात करें तो 2013 का काफ़ी पॉपुलर एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, डेवलप किया गया स्टार बेस्ट स्टूडियो के द्वारा, आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो वेल गाइस गेम काफ़ी यार इमोशन से भरा हुआ है। अगर आप एक अच्छा स्टोरी लाइन वाला गेम खोज रहे हैं तो ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है नई ग्राम के एक लड़के से, अपने डेड मदर के टॉम स्टोन के सामने बैठ के रो रहा होता है। तो बड़ा भाई नया नई को बुलाता है कि अचानक उसके फादर का हेल्थ एकदम बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर नई और नई का भाई फादर को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं एंड यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके फादर का तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल है तो आपको एक वाटर लाना पड़ेगा। दोनों भाई ट्री ऑफ लाइफ के वाटर को लाने के लिए निकलते हैं। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, पर गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 3 GB के आसपास स्पेस खाली रखना है इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को खेलने का तो फटाफट हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 15th गेम के ऊपर। जो हमारा 15th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बकेनियस एंड दोस्तों बकेनियस गेम की बात करें तो एक सैंड बॉक्स शिप बैटल गेम है, डेवलप किया गया स्काई वॉर्ड डिजिटल के द्वारा एंड बेसिकली ये आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें गेम टोटली दोस्तों शिप बैटल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर आप एक शिप के कैप्टन रहते हो एंड यहाँ पर आपको अपोनेंट शिप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना रहता है। मैप मिलता है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है, उनको खेलना चाहिए। अगर आप एक पायरेट वाला गेम तलाश कर रहे हो, उन्हीं से फाइट करना रहता है, उनके शिप को डिस्ट्रॉय करना रहता है एंड अपने शिप को प्रोटेक्ट करना रहता है। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों, आपको जरूर से इस गेम को खेलना चाहिए। इस गेम को आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। वेल गाइस इस गेम के ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है एंड इस गेम की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 3 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मेरे 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 6 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को खेलने का तो वेल गाइस कूद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। यही कुछ 15 हाई ग्राफिक्स गेम थे आपके 4 GB रैम वाले PC या लैपटॉप पे जिसमें आप आराम से खेल सकते हो बिना किसी लैग के। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्लो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिनके पास 4 GB रैम है और वो अच्छे गेम खेल नहीं पा रहे हैं। तब तक मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।